मैं आपको सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को भेजना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी योजना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहली जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी है आरएमएस कंपनी में कार्य करने वाले उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था, टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुंचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफी सारे प्रश्न पत्र जो पहुंचे थे अभ्यर्थियों को उनकी गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था, उस गैंग के भी सदस्यों को एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। तो उसमें केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली गई। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो आरएमएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यूकेएससी से उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया गया। देखिए राजेश चूंकि उस कंपनी का ओनर है लेकिन यह कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही क्योंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी, उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं कुछ उसके रिश्तेदार के यहां दिए गए और कुछ परिचितों के यहां दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है, उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो कड़ी थी लास्ट तक की वो ये थी, दूसरी कड़ी थी कि जो वहां के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे जो टेलीग्राम से यहां पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास उसको भेजे गए थे, उस कड़ियों को जोड़ते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो योजना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं, किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है ना किसी को इसमें यह कहा जा सकता है कि उसकी इनॉमलेट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, क्योंकि अभी योजना चल रही है तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर कंपनी का जो मालिक है राजेश उसकी इसमें किस तरह की भूमिका थी, इसकी गिरफ्तारी कहां से की? मैंने आपको स्पष्ट किया कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुविधा रही थी तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे, लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजेक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचे और कुछ उसके जाने वाले दोस्तों के यहाँ पहुंचे, वो सभी कड़ियों को जो हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए संभावनाएं सभी तरह की हो सकती है, लेकिन जो परीक्षा का जो वहां पर अगर प्रिंटिंग हर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहां पर प्रिंट नहीं होता, जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूं उसकी प्रिंटिंग वहां पर नहीं हुई, यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में, तो जो परीक्षार्थी जब ज्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षा का जो मामला है जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया जो वहां पर आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें पूरे साक्ष्य मिल गया कि किस प्रकार से वहां पर लैपटॉप से जो है पेनड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली उसका भी पता चला और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता जारी, चूंकि योजना दूसरे विवेचक के पास है तो वो भी आज शाम तक वो योजनाओं में उस चीजों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। देखिए अभी तक इस तरह के कोई साक्ष्य हमारी योजना में नहीं आया कि इसके द्वारा कोई विधानसभा में कराया गया हो, चूंकि इनके जो डायरेक्टर्स और भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको तलब किया गया, उनसे समस्त दस्तावेज लिए जा रहे हैं, उस दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही इसमें कुछ कहा जाना उचित होगा। देखिए इसमें जो शुरुआती कड़ी मैंने कहा 2 लाइन चल रही थी, एक कर्मचारी के माध्यम से जो इस साल हुआ अभी बीपीडीओ का पेपर लीक, साथ ही साथ जो परीक्षा ये जो सचिवालय वाला हुआ उसकी भी कड़ी हमने जोड़ दी इन्हीं से, और एक जो ओनरशिप से लेकर और जो धामपुर से सेंटर जुड़ा हुआ था जिसमें हमारे यहाँ के 10-12 गिरफ्तारियां इस चेन से हुई है, तो वो कड़ियों को जोड़ दिया गया, चूंकि मालिक के बाद और कंपनी के बाद उसके ऊपर कोई नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है सोर्स तो यही था, लेकिन अभी भी हमारी पूरी संभावना है जैसे हमारे प्राथमिक साक्ष्य आ रहे हैं कि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण 2-3 लोग ऐसे रह गए हैं जो इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सेंध लगाकर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। देखिए वो पैरेलल पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, चूंकि मैंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज चल रहे हैं, कलेक्शन साक्ष्यों का चल रहा है और वर्तमान में भी नई नियुक्तियां हुई है, तो नई नियुक्तियों के आने के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद उनसे भी समस्त प्रक्रिया को और विस्तार से समझा जाएगा, पूर्व के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी एक बार पूछताछ करके सारी चीजों को व्यवस्था में लाया जाएगा। देखिए इसमें जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहीं चुका ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्योंकि एसटीएफ एक इन्फोर्समेंट यूनिट है और एक परीक्षा से रिलेटेड मामले की जांच कर रही है, तो कभी कभी हमें किसी जानकारी के लिए कभी कभी संपर्क करते हैं उन विभागों में कुछ जानकारी के लिए, तो बस एक नॉर्मल संपर्क किया गया था कार्यालय में कुछ जानकारी के लिए। सर आयोग में पेपर जो प्रिंट हुआ था क्या उसकी वहां वीडियोग्राफी नहीं हुई थी?
ये जो यहाँ पर आयोग के अंदर समस्त जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसी कारण से हमें जो पेन ड्राइव से जो ये सॉफ्ट कॉपी में निकाला गया था प्रदीप पाल द्वारा जो सचिवालय रक्षा का पेपर, तभी हमें साक्ष्य इसमें पुष्ट हो पाए थे। देखिए मैंने कहा कि इस स्टेज पर यह कहना मुश्किल है कि किसकी आयोग में भूमिका है कि नहीं है या नेग्लिजेंस है, और ये मुझे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आने वाले 10-15 दिन के अंदर इस समस्त मैटर में अगर कोई कहीं से भी इन्वॉल्व है तो वो जरूर सामने आएगा। देखिए विश्वनाथन पार्ट है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कैमरे लगे हुए थे और उससे हमें काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल चुके हैं। इसमें मैं अपडेट दे दूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से लेटर प्राप्त हो गया, समस्त जो हमारी एफआईआर है और जो भी कार्रवाई है, जो हमारे इनकी संपत्तियों की जो जानकारी हमें मिली है प्राथमिक रूप से, वो सभी जानकारियों को साझा करने के लिए पत्र प्राप्त हो गया। जो संभावना मैं देखता हूँ, जिस स्पीड से हमारी टीम काम कर रही है, तो जो मेन कड़ियों को हमने जोड़ लिया है और कुछ कड़ियां इसमें रह गई हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो मैं मानता हूँ आने वाले 7-10 दिन में एटलीस्ट जो मेन इसके मास्टरमाइंड सरगना या जिनके द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त करके छात्रों को विभिन्न चैनल दिया गया, तो सभी अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वेचना में अभी समाप्त करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बयान लिए जाने, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अनुचित साधनों से पास हुए, उनको भी हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट करना। ये आयोग के अंदर से ही पेपर मैंने जैसा बताया कि प्रदीप पाल एक एम्प्लॉई था जो आरएमएस कंपनी का बहुत सालों से काम कर रहा था, और मौका पाकर उसने अपने जो है वहां से पेपर को सॉफ्ट कॉपी में उसको लिख कराया। हाँ, वो आयोग के अंदर से ही वहां से आउटसोर्स कंपनी द्वारा निकाला गया चोरी से। तो अजय जी, इसमें जो ऐसे राज्य हैं जो बड़ोली जी हैं, उनसे जांच क्यों नहीं हो रही? अंदर से ही निकला है तो फिर वो जांच उन पे कुछ, देखिए दो चीज स्पष्ट करूंगा, व्यक्ति विशेष की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, में क्या फ्लॉस थे, उस क्या सिस्टम के कारण किसी की मिलीभगत थी, और साथ ही साथ पेपर लीक करने में कौन लोग मास्टरमाइंड थे और किसके द्वारा इसको आगे किया गया। क्योंकि अभी वेचना में मात्र देखा जाए तो 35 दिन हुए हैं, तो उस 35-40 दिनों के अंदर सभी व्यक्तियों को एक साथ साक्ष्य लाना, हमारे रिकॉर्ड में आ चुके हैं, बयानों में आ चुके हैं, साक्ष्यों में आ चुके हैं, और कुछ लोग हमने चिन्हित कर रखे हैं जिनको अभी साक्ष्यों पर हमें लाना है। वो समस्त रिपोर्ट छात्रों की जो भी विधि सम्मत कार्रवाई के बाद जब चार्जशीट दी जाएगी तो आयोग से भी वो भेजी जाएगी, जिससे वो अग्रिम उसमें कार्रवाई कर पाए। ऐसा ना, यहाँ तो नहीं, हम बाहर जब निकलेंगे तो आप उसका इतने लोगों को देख कर देखेंगे नहीं, तो मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको मैं चेक ये सचिवालय वाले पूछ रहे हैं, उसका संपर्क राजेश चौहान का संपर्क, उसके रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर धामपुर में, उसके माध्यम से उनका पूर्व से परिचय था, और चूंकि काफी समय से बात पेपर की चल रही थी, अन्य माध्यमों से चल रहा था, उसमें जो संपर्क होने के बाद, बातचीत होने के बाद रिश्तेदार के माध्यम से, और एक मित्र है जिनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उनके माध्यम से जब ये चीजें तय हो गई तभी ये पेपर इस पास पहुंचा था। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दे रहा हूँ, बाकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी डाल दूंगा ना। क्या पूछ रहा कौन है, कौन है, किसको डालते हैं, क्या कर रहा वो, कहाँ है, मेडिकल के लिए मेडिकल के लिए क्या हुआ है, अभी आ जाएगा तो वेट कर लेंगे, या तो पहले करवा के बाहर और ये अनऑफिशियली बता देता हूँ कि अभी इस 24 घंटे के अंदर बहुत सारी बाहर थोड़ा जानकारी चाहिए थी, थोड़ा एक जानकारी चाहिए थी, जो अभी जो पकड़े गए उनको अभी मीडिया के सामने क्यों लाया गया, लाया जाएगा उनको जो भी पकड़े गए, मेडिकल कराने का, अच्छा मेडिकल कराने का, चलिए ठीक, कितनी देर में आएंगे सर तकरीबन।